हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको एक स्पेशल मेथड दिखाने जा रहा हूं, जिसकी मदद से आप किसी का भी पोर्ट्रेट बना सकते हैं, चाहे आपको ड्राइंग आती है चाहे नहीं आती है, लेकिन आप उसका पोर्ट्रेट इजीली ड्रॉ कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस मेथड में हमें जिसका भी पोर्ट्रेट बनाना है उसका हम एक ब्लैक एंड वाइट प्रिंट निकाल लेंगे और फिर उसकी मार्किंग करनी है। देखिए वो कैसे करते हैं। इसमें हमने स्केल और पेंसिल के साथ मार्क बनाने हैं। ये देखिए, पहले मैं मार्क कर रहा हूँ वो एरिया जितना पोर्ट्रेट जो है वो मेन एरिया है, एक्स्ट्रा एरिया को छोड़ देंगे। ये मैं अब हाइट वाइज 1-1 सेंटीमीटर के मार्क बना रहा हूँ। देखिए किस तरीके से 13 या 14 जितने भी आते हैं उसको मैं मार्क कर रहा हूँ। जी इतना पार्ट, नेक से नीचे जो मेन पार्ट है वहाँ तक हम इसको मार्क कर लेंगे। बिल्कुल ऐसे ही हम इसके फ्रंट पे भी मार्क कर लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ऑलमोस्ट 14 आ रहे हैं। तो हम यहाँ पे 14 लाइंस लगा लेंगे। हमने दोनों तरफ मार्क्स लगा लिए हैं। यहाँ तक हम पोर्ट्रेट को ले सकते हैं, यहाँ तक फुल नेक आ रही है। सबसे पहले मैंने ये लाइन लगा ली, उसके बाद मैं बाकी के निशानों को भी मिला दूंगा। ये ड्राइंग टेक्निकल पेंसिल है, हम इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये 0.2 से लेकर कई थिकनेस में मिल जाती है। मैंने जो इस्तेमाल की है ये 0.7 mm की टेक्निकल पेंसिल है। आप HB या इस टेक्निकल पेंसिल में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। टेक्निकल पेंसिल में बस एक ये मेन फ़ायदा है क्योंकि इसकी थिकनेस हमेशा एक जैसी आएगी, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको इस पेंसिल को भी इंट्रोड्यूस किया है। ये हमारी यहाँ पे लाइंस कंप्लीट हो रही हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ऑलमोस्ट 13 लाइंस आ गई हैं हमारी। हॉरिजेंटल में 13 लाइंस आ गई हैं। अब हम ऊपर नीचे सामने फेस के लाइन लगा लेते हैं मैच करके। अब इसकी भी हम लगा लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हमारी 9 लाइंस आ गई हैं। ऐसे ही 9 निशान हम ऊपर लगा लेते हैं और फिर हम इसको अब मैच कर देते हैं। उसी तरीके से सेम मेथड है। यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट पोर्ट्रेट हम बना रहे हैं, इसलिए मैंने ब्लैक एंड वाइट प्रिंट निकाला है। अगर आपको कलर पोर्ट्रेट बनाना है तो आप कलर प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। मेथड सेम रहेगा, आप कलर वर्क भी कर सकते हैं। ये बहुत इजी मेथड है, आप किसी का भी पोर्ट्रेट इस मेथड से बना सकते हैं। अपने पेरेंट्स का, फ्रेंड्स का, भाई बहन का, ठीक है। ये 9:13 में हमारे पास अब मिल गया है। आमने सामने 13 लाइंस हो गई हैं और ऊपर नीचे 9 लाइंस हो गई हैं। ओके गाइस, तो मार्किंग होने के बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारा पोर्ट्रेट। इसके लिए मैं ले रहा हूँ यहाँ पे एक कार्टेज शीट, आप कोई भी टेक्सचर शीट ले सकते हैं। इसके ऊपर हम बड़ा भी करके इसको बना सकते हैं और सेम टू सेम भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे जो टेक्निक यूज़ कर रहा हूँ, मैं आपको सबसे पहले सेम टू सेम बना के दिखाऊंगा। सेम टू सेम मतलब साइज़ उसका सेम होगा। मेथड वही है जो मैंने आपको पहले यूज़ करके दिखा चुका हूँ उसके ऊपर। सबसे पहले हम इसको अब टेप कर लेते हैं, चारों साइड हम इसको टेप कर लेंगे, फिक्स कर लेते हैं अपनी शीट को। स्टार्टिंग के अंदर हम कार्टेज शीट के ऊपर पोर्ट्रेट बना रहे हैं क्योंकि ये हमारा प्रैक्टिस सेशन है। अब सबसे पहले हम अपने पोर्ट्रेट प्रिंट को मेजर कर लेते हैं। ये है 4 सेंटीमीटर, बीच में 9 और फिर 2 सेंटीमीटर, ये हो गया टोटल 15 सेंटीमीटर। और हाइट वाइज है ये
यहाँ पर फोर, यहाँ पर थ्री, ये थ्री फोर और बीच में है 14, ये हो गया टोटल 21 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमारी शीट की हाइट है 26 और ऐसे है 21 सेंटीमीटर। विड्थ वाइज आ गया 21, हाइट वाइज 26। यहाँ पर है हमारी विड्थ 15, तो 21 में से 15 निकाल देंगे आ जाता है 6, तो हम 6 सेंटीमीटर के टू पार्ट्स मतलब 3 सेंटीमीटर लेफ्ट और 3 सेंटीमीटर राइट में हम छोड़ देंगे जो बॉर्डर क्रिएट हो जाएगा। उसी तरीके से हाइट वाइज हमारे पास यहाँ पर है 21 और यहाँ पर है 26, तो 26 माइनस 21 5 सेंटीमीटर, तो हम 2.5 सेंटीमीटर ऊपर और 2.5 सेंटीमीटर नीचे का बॉर्डर क्रिएट कर लेंगे। ओके, देखिए किस तरीके से करना है, यहाँ पर 2.5, यहाँ पर 2.5, ये हम मार्क कर लेते हैं सबसे पहले 2.5 सेंटीमीटर। अभी हमारा बॉर्डर क्रिएट हो चुका है। अब जैसे हमारे हमने पोर्ट्रेट पे जो निशान लगाए हैं बिल्कुल वैसे ही निशान इस शीट पे भी यहाँ बनाने हैं, जैसे 9 यहाँ पे और 13 लेफ्ट और राइट साइड में, इस तरीके से 9, और फिर हम उसे मैच कर लेंगे। इस तरीके से हम उसको मैच कर लेंगे और हमारा ग्रिड सेक्शन यहाँ पे भी रेडी हो जाएगा एग्जैक्टली वैसे ही जैसे हमने अपने दूसरे उस पोर्ट्रेट के अंदर बनाए हैं, ताकि हम उसकी ड्राइंग्स को देखकर सेम टू सेम जितना ग्रिड उसके एक ग्रिड के एक सेक्शन में जितना भी पार्ट ड्राइंग का आ रहा है, जितनी भी लाइन आ रही है, हमने सेम टू सेम लाइन हमारे इस ग्रिड सेक्शन में बनानी है। ये हो गया 9, अब यहाँ पे हम बनाएंगे 13, 14, 14 लाइंस मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। देखिए किस तरीके से सबसे पहले नीचे हमने 4 छोड़ा है, उसके बाद 14 लाइंस हैं, और ऊपर 3 सेंटीमीटर छोड़ा था जैसे हमने अपने पोर्ट्रेट में छोड़ा है जो हमारा प्रिंट है। इनको मैच कर लेते हैं। ये हो गए हमारे 9 और ये हो गए हमारे 14, चारों तरफ लिख लेते हैं हम, ताकि हमें पता रहे कि जो हमारा प्रिंट है वहाँ पे किस सेक्शन में कितनी ड्राइंग आ रही है, लाइन का कितना पार्ट आ रहा है। ये देखिए अब यहाँ पे जितना पार्ट जिस सेक्शन में आएगा हमने काउंट करके अपने इस शीट के ऊपर उतना ही पार्ट बनाना है, ठीक है। अब ये देखिए मैं आपको ड्राइंग करके दिखाता हूँ। इस वीडियो का मेरा पर्पस यही था कि मैं आपको ये मेथड बता पाऊँ, ताकि आप अगर पोर्ट्रेट बनाना चाहते हैं किसी का भी पोर्ट्रेट आप इस मेथड से बना सकते हैं। बस यहाँ पे ध्यान यही रखना है कि उस ग्रिड में जितनी ड्राइंग आ रही है यहाँ पे भी ग्रिड में हमने उतनी ही ड्राइंग को बनाना है, चाहे कर्व आ रहा है चाहे लाइन आ रही है कुछ भी आ रहा हो। इस वीडियो को बनाने का मेरा पर्पस यहाँ पे कैरेक्टर बनाना नहीं है कि ये एक एक्ट्रेस है मैं इसका पोर्ट्रेट बना रहा हूँ, नहीं, यहाँ पे बस मेरा पर्पस ये है, एक ड्राइंग ली है और उसको यहाँ पे ड्रॉ करना है ग्रिड मेथड के थ्रू।
ये ग्रिड मेथड जो है हमारा बचपन से ही स्टार्ट हो जाता है, हमारे स्कूल टाइम से। वहाँ पे भी छोटी सी छोटी इमेज को आप बड़ा करके भी बना सकते हैं और ग्रिड मेथड के थ्रू आपको बताया जाता है। ये देखिए इस तरीके से, ये अब यहाँ पे ड्रॉ काफ़ी हद तक हो चुका है। धीरे धीरे इसको ड्रॉ करते जाएंगे और एग्जैक्ट ड्राइंग जो यहाँ पर लेफ्ट साइड में हमारे पोर्ट्रेट में शो हो रही है, वही हमारे राइट साइड जो हम बना रहे हैं पोर्ट्रेट उसके अंदर आ जाएगी। अगर लाइन थोड़ी बहुत भी अप डाउन हो जाती है तो कैरेक्टर नहीं मैच होगा, लेकिन स्टार्टिंग में प्रैक्टिस के अंदर कैरेक्टर ना भी मैच हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ड्रॉ करना है। कुछ फेसेस में कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जितना अच्छा उसका कैरेक्टर, जैसे उसने स्पेक्स लगा रखी है या हेयर स्टाइल है पोर्ट्रेट में, तो वो चीज़ जब सेम टू सेम बनती है तो करेक्टर आ जाता है। कुछ जगहों पे करेक्टर मैच नहीं हो पाता जल्दी, लेकिन उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे जैसे प्रैक्टिस करते रहेंगे धीरे धीरे करेक्टर आता रहेगा। अभी ऑलमोस्ट हमारी ड्राइंग हो चुकी है, ये देखिए। ड्रॉ करने के बाद हमारा जो ग्रिड शो हो रहा है हम उसको इरेज कर लेंगे, ताकि आगे हम उसके ऊपर शेडिंग कर सकें या कलरिंग कर सकें। इस तरीके से हम अब सारे को क्लीन कर लेते हैं। अब हम करेंगे इसकी शेडिंग। सबसे पहले आईज से स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे आपने डार्कनेस लेके आनी है, आईब्रोज में, आईज में, जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी पार्ट अच्छा लग रहा है सेम टू सेम करने के लिए आप उसको देख के यहाँ पे शेड कर सकते हैं। जो ये प्रिंट निकाला हुआ है इसमें बहुत अच्छे कलर्स नहीं आ रहे हैं, आप जो ओरिजिनल इमेज है उसको अपने कंप्यूटर पे या मोबाइल में देख के, उसको बड़ा करके देख के फिर यहाँ पे शेड कर सकते हैं। जो भी शेडोज़ हैं सबसे पहले उनको आपने ड्रॉ करना है। मैं सबसे पहले HB पेंसिल के साथ ही हल्की हल्की सी ड्राइंग कर रहा हूँ, एक बेस कलर दे रहा हूँ एक हिसाब से। स्मजिंग टूल के साथ हम उसको स्मज कर लेंगे, एकदम से डार्कनेस नहीं लेके आनी, नहीं तो हमें फिर इरेज करना पड़ जाएगा। धीरे धीरे शेडिंग लेके आनी।
धीरे धीरे डार्कनेस बढ़ाते जाना है। इरेजर का भी यूज़ करना है, यहाँ पे मैं बीच बीच में अपना पेंसिल इरेजर भी यूज़ कर रहा हूँ। स्मजिंग भी बीच बीच में चलती रहेगी और डार्क पेंसिल से धीरे धीरे उसकी डार्कनेस को बढ़ाते जाना है। यहाँ पे हेयर्स में मैं डार्कनेस लेके आ रहा हूँ, पहले आईज़ में दे चुके हैं। हाथों के नीचे आप एक पेपर ज़रूर रखिए ताकि जो कलर्स हैं, मतलब जो पेंसिल की शार्पनेस है, वो मर्ज ना हो। इस तरीके से शेडिंग कैसे करनी है या हेयर्स कैसे बनते हैं वो मैं अपनी पिछली वीडियोस में आपको बता चुका हूं। आप अगर उसको ध्यान से देखना चाहते हैं तो वहां पे पहले आप देख सकते हैं। यहां पे मेरा मेन पर्पस था आपको ग्रिड मेथड बताना।